all of you. आ जाएं सभी लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री और बायो। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में उसका डिटेल भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आ जाएं सभी, आ जाएं जल्दी। ब्रजन सर आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून ब्रजन सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे सभी। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन बोलता हूं मैं, वायरस होते हैं, नंबर वन आकोशिकीय, दूसरा कोशिकीय, तीसरा एक कोशिकीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, वायरस होते हैं, अभी वायरस चल भी रहा है जैसे कोरोना वायरस, तो उसी से क्वेश्चन, वायरस होते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है वायरस होते हैं। क्वेश्चन आकोशिकीय नंबर वन, सेकेंड एक कोशिकीय, थर्ड कोशिकीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर, बताएं सभी। वायरस होते हैं, चलिए मैं आंसर रिलीज कर रहा हूं। वायरस अकोशिकीय होता है, मतलब वायरस की कोई भी कोशिका नहीं होती है। वायरस ऐसा है, मतलब वायरस में जब ये बाहर ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म से यदि बाहर रहता है तो वो कैसा होता है, उसकी मतलब नॉन लिविंग होता है, जीवित नहीं होता है। लेकिन यदि उसको किसी की कोशिका मिल जाती है, जब किसी जीव की, किसी ऑर्गेनिज्म की कोशिका मिल जाती है, तो उनकी कोशिका में, उस जीव की, उस ऑर्गेनिज्म की कोशिका में अपना हमला करता है, उसमें रहता है और फिर अपना जीवन स्टार्ट करता है। जैसे कि आपका कोई सा भी वायरस हो, वो क्या करता है, उसमें अपना जीवन करता है। तो वायरस की कोई सी भी कोशिका नहीं होती। वायरस कैसा होता है, अकोशिकीय होता है, ठीक है, एसेलुलर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है। मैं चार ऑप्शन देता हूं, नंबर वन आपका आनुवंशिक रोग, सेकंड संक्रामक रोग, चौथा व्यवसाय संबंधी रोग, चौथा इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है, हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है। नंबर वन आनुवंशिक रोग, दूसरा संक्रामक रोग, तीसरा व्यवसाय संबंधी रोग और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर, बताएं।
हीमोफीलिया रोग होता है, एक आनुवांशिक रोग है। अगर जिसको भी हीमोफीलिया होता है तो उसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यदि किसी को चोट लग जाती है तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिसकी वजह से ब्लड चोट लगने पे ब्लड क्या होता है, बहता रहता है। तो हीमोफीलिया रोग क्या है, एक आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती तो रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड बहता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? ब्रजेंद्र सर जेनेटिक, सही है, कालाजार रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार रोग, कालाजार जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, काला ज्वर या कालाजार, कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से होता है? नंबर 1 सीसी मक्खी, सेकंड घरेलू मक्खी, चौथा सैंड फ्लाई या बालू मक्खी, तीसरा और चौथा इनमें से कोई नहीं। कालाजार किसके काटने से होता है? नंबर 1 सीसी मक्खी, सेकंड बालू मक्खी, थर्ड घरेलू मक्खी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताएं बताएं, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, घरेलू मक्खी या इनमें से कोई नहीं। काला ज्वर जो होता है, ब्लैक फीवर, हमें किस मक्खी के काटने से होता है? मैं आंसर रिलीज करता हूं। कालाजार जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ बीमारी है। प्रोटोजोआ बीमारी में हमारा आता है मलेरिया, पायरिया, पैचेस, सोने की बीमारी और कालाजार, ब्लैक फीवर। तो कालाजार कौन सी बीमारी है? ब्लैक फीवर बीमारी है, मतलब सॉरी प्रोटोजोआ बीमारी है, परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, बालू मक्खी के काटने से हमें कालाजार रोग होता है। जब बालू मक्खी काटती है तो बालू मक्खी के काटने से क्या होता है, ये नमी में पनपती है। जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से कौन सी बालू मक्खी ज्यादा पनपती है। जब हमें ये बाइट करती है, काटती है, तो हमें 1 महीने बाद क्या होता है, इसका इफेक्ट आता है, मतलब हमें क्या होता है, ब्लैक फीवर, काला ज्वार नामक रोग होता है। तो बालू मक्खी के काटने से काला ज्वार होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ नामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम हमला कहाँ करता है? जो प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्य के शरीर में किस अंग पे हमला करता है? ऑप्शन देखेंगे, नंबर 1 यकृत कोशिकाओं पर, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाओं पर, तीसरा तंत्रिका कोशिकाओं पर और नेक्स्ट आपका मांसपेशीय कोशिकाओं पर। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, वर्जन सा ये सही बोल रहे हैं, सैंड फ्लाई पहले वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस अंग पर हमला करता है? यकृत कोशिकाओं पर, श्वेत रक्त कोशिकाओं पर, तंत्रिका कोशिकाओं पर या मांसपेशीय कोशिकाओं पर? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मोडियम मानव शरीर में किस अंग पर हमला करता है? यकृत कोशिकाओं पर, लीवर सेल्स, सेकंड श्वेत रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी सेल, थर्ड नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका या इसके बाद अपना लास्ट मसल्स मतलब मांसपेशीय कोशिकाएं, मस्कुलर सेल। बताएं आंसर बताएं। मैं आंसर रिलीज करता हूं, जो ये प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम भी एक परजीवी नामक परजीवी है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जब हमारे मानव शरीर में आता है तो सबसे पहले यकृत जो होता है, लीवर होता है, वहां पर होती है कुफर कोशिका, उसमें हमला करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यकृत कोशिकाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कि रक्त के जो आपका प्लाज्मा होता है, जो मानव रक्त होता है उसमें प्लाज्मा होता है, मानव रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 है आपका हार्मोन्स, सेकंड लिम्फ, चौथा है आपका एंटीबॉडी और फोर्थ आपका कौन सा है, आपका जल।
पहला है आपका हार्मोन्स, सेकंड आपका एंटीबॉडी, थर्ड आपका लिम्फ और लास्ट है आपका जल। बताएं आंसर बताएं। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? हार्मोन्स, लिम्फ, एंटीबॉडी या जल? आंसर रिलीज करता हूं मैं। जो मनुष्य का रक्त होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है। जो ब्लड होता है कंपोस्ट होता है टू पार्ट से, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है आपका रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में होता है आपका क्या क्या चीजें होती हैं प्लाज्मा में? प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है जल जो कि 90% होता है। दूसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है 7 से 8% होता है, 7 to 8%। और आपका लास्ट में होता है आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो कि 2% होता है। तो प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 60% था, उसमें जो जल होता है वो 90% था। तो हमने देखा कि आपके प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? ऑप्शन सुनिए, कंड्रा, सेकंड अस्थि, मतलब इसको बोन बोलेंगे इंग्लिश में, थर्ड उपास्थि, इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं, और लास्ट है आपका स्नायु। फिर से क्वेश्चन बोलता हूं। बाहरी कान जो आपका बाहरी कान होता है, बाहरी कान है, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? कंड्रा, अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, या अपन इसको बोलेंगे लास्ट में स्नायु या नर्व्स बोल सकते हैं उसको। बताएं आंसर बताएं। मैं आंसर रिलीज करता हूं। जो मनुष्य का कान होता है ये किसके बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थि, जो उपास्थि होती है ये बोन की तरह हार्ड नहीं होती। जो बोन्स होती है उसमें हार्ड, क्योंकि उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस, बोन्स में क्या क्या होता है? दो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम में जब फास्फोरस की मात्रा ज्यादा मिल जाती है तो वो क्या होता है, जो बोन्स होती है उसको हार्डनेस देता है, बहुत ज्यादा कठोर बनाता है। लेकिन जो आपका उपास्थि होती है, उपास्थि मतलब क्या होता है, कंपेयर टू बोन, अस्थि के कंपेयर में क्या होती है, लचीली होती है। तो हमारा कान का जो ऊपर का बाहरी पार्ट होता है ये कैसा होता है, लचीला होता है। तो इसका किसका बना होता है, उपास्थि का। तो आंसर आपका क्या रहेगा, उपास्थि। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे कान में, एक कान में हड्डियां कितनी होती हैं? तो हमारे कान में हड्डी, एक कान में हड्डी तीन हड्डी होती हैं, तो दूसरे कान में भी तीन हड्डी, टोटल कितनी हो गई, 6 हड्डी होती हैं। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, जो कि कहाँ लोकेटेड होती है, वो भी कान में, मिडिल ईयर में लोकेटेड होती है। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और हड्डियों में मतलब जो कान में हड्डियां होती हैं, एक कान में 3, दोनों कान में कितनी होती हैं, 6 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? फिर से क्वेश्चन बोलता हूं मैं। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा ऊतक, 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन सा ऊतक होता है जो सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाया जाता है? आंसर देखते हैं, संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन उपकला ऊतक, इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तीसरा आपका पेशीय मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और लास्ट आपका तंत्रिकीय ऊतक, जिसको नर्व टिश्यू बोलते हैं। बताएं आंसर बताएं। मानव शरीर में
कौन सा ऊतक है जो सबसे अधिक पाया जाता है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्र के ऊतक या आपका पेशीय ऊतक? बताएं, आंसर बताएं। आंसर रिलीज करता हूं मैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो ऊतक होता है वो होता है संयोजी ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम ही इसका है, कनेक्ट करके रखना, मतलब संजो के रखना। जैसे आपका ब्लड, ब्लड आपका है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, जो कि क्या होता है पूरे के पूरे मानव शरीर में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में आपका संयोजी ऊतक ही पाया जाता है। जब दो हड्डियां जो होती हैं, दो बॉन्स होती हैं, दो बॉन्स के बीच में भी आपका क्या होता है लिगामेंट, टेंडन, जो आपके एडिपोज होता है, ये भी क्या होते हैं संयोजी कनेक्टिव टिश्यू के ही एग्जाम्पल हैं, जो क्या करते हैं बॉन्स को बॉन्स से कनेक्ट करके रखते हैं, बॉन्स को मसल से कनेक्ट करके रखते हैं और मसल्स को स्किन से कनेक्ट करके रखते हैं। जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे मसल्स पाई जाती हैं, तो मसल्स और स्किन को कनेक्ट करके रखता है वो है एडिपोज टिश्यू। आप लोग याद रख सकते हैं कि एडिपोज से क्या याद रखेंगे, एडी, एडी मतलब आदि, आदि नाम का लड़का अपनी माँ की त्वचा को पकड़ के चलता है, तो त्वचा से त्वचा और माँ से मसल्स, इन दोनों को कौन कनेक्ट करके रखता है एडिपोज टिश्यू। इसी तरीके से लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू एग्जांपल क्या है आपका ब्लड, जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखा है, पूरी बॉडी में क्या है सर्कुलेट हो रहा है, तो सर्कुलेशन के अंतर्गत आता है वो। तो हमारा एग्जांपल क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सर्कुल मतलब आपका संयोजी ऊतक। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर बहुत अच्छे से देखना, ऑप्शन अच्छे से देखना, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखें ऑप्शन, नंबर वन यकृत, दूसरा फेफड़े, तीसरा त्वचा और लास्ट आपका थायराइड। आंसर बताएं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? नंबर वन यकृत, दूसरा फेफड़े, तीसरा त्वचा और लास्ट में है थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, फेफड़े, त्वचा, शिवांगी जी स्किन, वेरी गुड। आंसर आपका है, मैं भी रिलीज करता हूं, आंसर क्या है आपका, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा ही है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं यकृत लगा देते हैं, मैं बात करूं यकृत की, यकृत क्या होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मीना जी ने भी आंसर दिया है, सी आंसर बिल्कुल सही है। बात करता हूं एक एक करके मैं आंसर बता देता हूं। जो यकृत होता है, यकृत क्या है आपका, यकृत मानव शरीर में ग्रंथियां होती हैं दो प्रकार से, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक्सोक्राइन मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथियां। तो जो यकृत होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, तो यकृत हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ना कि ऑर्गन। और थायराइड जो होता है वो कौन सी ग्रंथि है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और छोटी एक क्वेश्चन आता है कि हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हमारे ब्रेन में जो होती है पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, सभी का आंसर सही है, स्किन, स्किन मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं? कौन सा हार्मोन्स है जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? आंसर वो ऑप्शन देखिए, नंबर वन इंसुलिन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा थायरोक्सिन, चौथा ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन से जिसको लड़ो या उड़ो कहते हैं? पहला इंसुलिन, दूसरा एड्रिनलिन, तीसरा थायरोक्सिन, चौथा ऑक्सीटोसिन। बताएं, आंसर बताएं।
ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको लड़ो या उड़ो, या क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं, FFH हार्मोन, फियर फाइट एंड फ्लाइट, कौन सा हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंतर्गत, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। बिल्कुल शिवांगी जी ने आंसर दिया है बी, एड्रिनलिन। बिल्कुल सही आंसर, हमारे मानव शरीर में एड्रिनलिन, हमारी किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको क्या आप कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, उससे एक हार्मोन्स निकलता है एड्रिनलिन। आंसर है आपका कौन सा, एड्रिनलिन। जब वो हार्मोन्स रिलीज होता है तो उस हार्मोन से क्या होता है, वो किस कंडीशन में रिलीज होता है, मैं इसको FFH हार्मोन्स बोलता हूँ, फियर फाइट एंड फ्लाइट। जब हम किसी जंगल, एग्जाम्पल देता हूँ, यदि हम किसी जंगल में होते हैं, जय हिंद, विवेक सर आ चुके हैं, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो आपका एड्रिनलिन हार्मोन्स होता है, एड्रिनलिन हार्मोन्स क्या है, यदि हमारे शरीर में, यदि हम किसी जंगल में जाते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी एड्रिनलिन रिलीज हो जाता है। अगर हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो हम उससे क्या होते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा एड्रिनलिन रिलीज होता है। यदि एक एग्जाम्पल दूं कि हमारे पीछे यदि पागल कुत्ता पड़ा हुआ है और पता चले पागल कुत्ते ने किसी 50 लोगों को काटा, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अगर हमें फीवर भी रहेगा तब भी हम भागेंगे, उस कंडीशन में भी हम भागते हैं, तो उस कंडीशन में एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होता है रिलीज होता है और हम भागते हैं, तो इसीलिए इसको लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा हार्मोन्स है, वो है आपका एड्रिनलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बिल्कुल सही, शिवांगी जी ने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा जंतु है जो रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, सांस लेता है, सांस तो लेता है, श्वसन तो करता है, लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं पाया जाता। ऑप्शन देखिए, नंबर वन कॉकरोच, दूसरा मेंढक, तीसरा कैचुआ और लास्ट में है सांप। कॉकरोच, मेंढक, कैचुआ या सांप, बताएं, आंसर बताएं। ऐसा कौन सा जंतु है जो श्वसन करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, जो रेस्पायरेशन है उसका, रेस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं पाया जाता। नंबर वन, ऑप्शन फिर से बोलता हूं मैं, कॉकरोच, सेकंड मेंढक, थर्ड कैचुआ और लास्ट में आपका सांप। बताएं, आंसर बताएं। मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, कैचुआ। कैचुआ क्या होता है, बिल्कुल सही, कैचुआ। कैचुआ क्या होता है, कैचुए में श्वसन अंग कोई भी नहीं पाया जाता, इवन कैचुए में जो आइस होती है आंख भी नहीं पाई जाती है। कैचुआ क्या होता है, कैचुए कैचुए में आपका जो नम सतह होती है, स्किन होती है, उसी से श्वसन करता है। और आपका इसी से क्वेश्चन आता है कि कैचुआ किस संघ का प्राणी है, कौन सा आपका मतलब जो किंगडम होता है, कौन से किंगडम में आता है, तो कैचुआ होता है एनिलिडा संघ का प्राणी है, ठीक है, एनिलिडा संघ में आता है। आप लोग याद रख सकते हैं कि एनिलिडा, एक क्लास का लीडर यदि किसी फंक्शन में जाता है तो वहां पे क्या करता है, कैंची से रिबन को काटता है, कैंची से कैचुआ। बिल्कुल सही, शिवानी, रामजी, राम सर, आपने बहुत आंसर सही दिया है, सी, कैचुआ ही क्या है जिसके श्वसन अंग नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू मक्खी के लार्वा में, जो घरेलू मक्खी होती है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखें, कैटरपिलर, सेकंड ऑप्शन लिम्फ, देन मैंगोट और फोर्थ है आपका टैडपॉल। फिर से ऑप्शन देखिए, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर, लिम्फ, मैंगोट और टैडपॉल। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर,
लिम्फ, मैंगोट या टैडपॉल? आंसर रिलीज करता हूं। बिल्कुल सही, शायद सी सी ही आंसर है, मैंगोट। मैंगोट जो होता है वो घरेलू मक्खी के लार्वा में पाया जाता है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंढक के लार्वा को क्या कहते हैं, तो मेंढक का लार्वा है टैडपॉल। और जो घरेलू मक्खी, इसके पहले मक्खी से देखा था कि आपकी कौन सी बालू मक्खी थी, उसके काटने से हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, कौन सा रोग होता था, कालाजार रोग होता था, ब्लैक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन देता हूं मैं, नंबर वन टाइफाइड, सेकंड पोलियो, थर्ड एड्स और लास्ट है आपका कैंसर। एलिसा टेस्ट हम किस रोग में करते हैं, टाइफाइड, पोलियो, एड्स और कैंसर? आंसर बताएं। एलिसा टेस्ट ELISA, एलिसा टेस्ट हम किस रोग में करते हैं? एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है? टाइफाइड, पोलियो, एड्स और कैंसर। एलिसा टेस्ट एड्स में किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इससे और क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग, जो एड्स होता है उसका परीक्षण, उसके लिए 5 टेस्ट लगाए जाते हैं। नंबर वन एलिसा, जो सबसे पुराना टेस्ट होता है एलिसा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसी के साथ में आपका दूसरा टेस्ट होता है नेवा, NEVA। नेवा का फुल फॉर्म होता है नेग्ड आई विजुअल एग्लूटिनेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नेग्ड आई विजुअल एग्लूटिनेशन। इसी के साथ होता है वेस्टर्न ब्लॉट और वेस्टर्न क्लॉट। ये 4 टेस्ट हो गए। लास्ट में अभी अभी कुछ साल पहले ही एक न्यू तकनीक आई है, ओरासोर तकनीक भी आपकी एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो ये 5 टेस्ट हैं जो एड्स के लिए परीक्षण के लिए किए जाते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं, पहले एलिसा ही टेस्ट ही होता था, एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, लेकिन आगे चल के नेवा आया, वेस्टर्न ब्लॉट आया, वेस्टर्न क्लॉट आया और अभी न्यू टेक्निक आई है जिसका नाम है ओरासोर, ORASUR, ओरासोर। तो 5 टेक्निक के थ्रू हम एड्स का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जा सकता है? यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन या आंसर में कोई डाउट है तब भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? देखें, नंबर वन ऑप्शन खसरा, जिसको मीजल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्षय रोग, इसको टीवी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है आपका रेबीज और लास्ट है आपका मलेरिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है, खसरा, मीजल्स, क्षय रोग, टीवी? प्रतिमा जी जय हिंद, बताएं हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? खसरा, क्षय रोग, रेबीज और लास्ट है मलेरिया। मैं आंसर रिलीज करता हूं, बिल्कुल सही, रेबीज, बिल्कुल सही।
हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है वो पागल कुत्ते के काटने की वजह से होती है। ठीक है, जो पागल कुत्ता होता है, जब पागल कुत्ता बाइट करता है, काटता है, तो जो पेशेंट होता है उसको हाइड्रो हाइड्रो मतलब होता है जल, और फोबिया मतलब होता है डर। तो उसको जल से डर लगता है, जल के करीब जाता है, पानी के करीब जाता है तो डर लगता है। तो उस कंडीशन में कौन सा टीका लगाते हैं? रेबीज। उस टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। इसके साथ एक चीज और बता सकता हूं मैं, आप लोग पेन कॉपी रख के लिख भी सकते हैं साथ में। ये जो टीका होता है, कुछ लोग डाउट में रहते कि तीन टीके लगने चाहिए, नहीं, हमेशा पांच टीके ही लगने चाहिए। जब कुत्ता काटता है, पागल कुत्ता, तो पांच टीके लगते हैं, तभी जाके जो होता है आपका उसमें, जब कुत्ता काटता है पागल कुत्ता, तो रेबडो वायरस अंदर हो जाता है। रेबीज से याद रखना, कौन सा वायरस होता है? वायरस होता है रेबडो वायरस, वो पांच टीके के द्वारा ही बॉडी से बाहर जाता है। उसमें टीका लगता है, एक जब आप लगाते हैं तो 0 डेज पे, दूसरा लगता है 3 डेज पे, इसके बाद 7 डेज पे, फिर 14 डेज, और लास्ट वाला लगता है 28 या 30 डेज में। फिर से रिपीट करता हूं, पहला टीका लगता है 0 डेज में, दूसरा टीका लगता है 3 डेज पे, तीसरा टीका लगता है आपका 7 डेज में, नेक्स्ट टीका लगता है आपका फोर्थ वाला 14 डेज में, 14वें दिन, और लास्ट आपका 28 या 30। तो रेबीज में आपके पांच टीके लगते हैं। किस वायरस से होता है? रेबडो वायरस से होता है, वायरस वाला डिसीज है। तो हाइड्रोफोबिया आपने देख लिया आंसर, बहुत सही। शिवांगी जी, गंगा जी, शिवानी जी, सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है, मतलब हार्ट अटैक, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है, क्या बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है? देखिए आंसर देखते हैं आपका, व्यापम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नंबर 1 यूरिया, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड प्रोटीन, और लास्ट है आपका शर्करा। विमल सर जुड़ चुके हैं, जय हिंद विमल सर। बताएं, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट अटैक, क्या चीज होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तब, या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब, या प्रोटीन, और लास्ट में है आपका शर्करा, सुगर। कौन सी मात्रा है, कौन सी चीज है इन चारों में से जिसकी मात्रा बढ़ने से ह्यूमन में आपका कौन सा डिसीज होता है? हृदयाघात, हार्ट, मतलब जो आपका बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, वो होता है हृदयाघात हिंदी में। बताएं आंसर, बताएं आंसर। बिल्कुल सही विमल सर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जैसी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम जाती है। आंसर क्या है आपका? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल सही शिवांगी जी, कोलेस्ट्रॉल। मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके वेंस में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक पाइपलाइन का। अपने यहाँ पंप होता है, अगर पंप को हम आगे नोक को दबाते हैं तो पानी प्रेशर से जाता है। इसी तरीके से आपका जो ब्लड वेंस होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब जम जाती है तो फ्लो से आपका ब्लड जो होता है वो बह नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है इसमें? हार्ट अटैक। उस हार्ट अटैक में बीमारी कौन सी बोलेंगे आपकी? वो होती है एंजाइना, एंजाइना अटैक आता है। पता चला व्यक्ति सोते सोते ही चला गया, तो वो कौन सा होता है? इसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से ही एंजाइना अटैक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन देखिए, नंबर 1 पेनिसिलिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा मेटासिन, या चौथा इनमें से कोई नहीं। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? नंबर 1 पेनिसिलिन, दूसरा इंसुलिन। विमल सर इंसुलिन, और बताएं आंसर। मैं आंसर रिलीज करता हूं, विमल सर ने सही बोला है इंसुलिन। जब हमारे मानव शरीर में होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, उसमें होती है बीटा कोशिका, वहां से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है, यदि उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुगर की बीमारी, मधुमेह बीमारी बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी होती है।
नहीं, इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन की कमी जो होती है, विमल सर ने सही बोला, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, इसीलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। जो ग्लूकोज होता है, प्रशांत जी बोल रहे हैं ग्लूकोज ज्यादा इंसुलिन की कमी से, जो ग्लूकोज होता है मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यदि हमारे जो भोजन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हमने लिया या आपका प्रोटीन लिया फैट लिया, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन अगर नहीं है तो ग्लूकोज आपका ब्लड में पड़ा रहेगा, जिससे आपका कौन सा हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो आपका कौन सा मधुमेह होगा, शुगर की बीमारी होगी। प्रशांत जी क्लियर कर दिया मैंने, ब्लड वेसल्स में यदि आपका ग्लूकोज ज्यादा है और इंसुलिन नहीं है तो आपका मधुमेह हो जाएगा, तो इंसुलिन ही उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और यकृत में आपका वो जमा हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और होता है कि आपके शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, कहाँ जमा होता है, तो वो जमा रहता है, स्टोर रहता है यकृत में, लीवर में जमा रहता है। दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गए, थैंक यू बिमल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, जो हमारा ब्लड होता है वो किस नेचर का होता है? हाँ, डायबिटीज भी दो टाइप्स की होती है, जो मेलाइटिस होता है डायबिटीज मेलाइटिस फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं रक्त की प्रकृति कैसी होती है, जो ब्लड का नेचर होता है। ऑप्शन देखें, अम्लीय एसिडिक, दूसरा ऑप्शन क्षारीय, हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक, तीसरा उदासीन न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं। विमल सर बेस, और बताएं आंसर। विमल सर आंसर दे रहे हैं बेस। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? ब्लड है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय है, 7.4 सही आंसर। मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो आपका पीएच मान होता है, जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल यदि 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन कहलाता है। 7 से यदि अबव है तो वो बेस होता है, और 7 से बिलो है तो वो क्या होता है, आपका एसिडिक होता है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। विमल सर सही बोल रहे हैं, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगर 7 के अबव है तो बेस है, 7 के बिलो है तो एसिड है, और 7 है तो उदासीन। तो ब्लड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है या क्षारीय होती है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि पीएच, जो पीएच की पीएच जैसे बोला 7.4, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर में आपका या तो रहेगा, क्या रहेगा, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई रहेगा, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और एक क्वेश्चन आता है आपका कि पीएच की खोज किसने की है, पीएच स्केल, पीएच की खोज की है पीडर सोरेनसन ने। पीडर सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज किसने की है, पीडर सोरेनसन ने। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कोई भी ऑप्शन इसका हो सकता है। इन तीनों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन सही है तो आप पीएच का फुल फॉर्म बता सकते हैं, और पीएच की खोज पूछ लिया तो पीडर सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, सोरेनसन, ठीक है, इसको अपन याद रख सकते हैं। यदि हमें पीएच के सारे मान यदि हमें याद आ जाएं, तो हम क्या है, सारे पीएच स्केल हमें याद हो गए, तो हमें सारे याद हो गए तो हम खुश हो जाएंगे, सारे ऑप्शन बन जाएंगे, सारे से सोरेनसन याद रख सकते हैं। जैसे जल है, जल और नमक का पीएच मान कितना होता है, आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं सारे पीएच मान याद करा सकता हूं आप लोगों के लिए। जो जल है और नमक है, इसका पीएच मान होता है 7, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। जल और नमक, हफ्ते में हमें 7 दिन नमक चाहिए और हफ्ते में 7 दिन जल चाहिए, तो 7 दिन चाहिए तो 7 दिन, तो नमक और आपका जल इनका पीएच मान होता है 7 होता है। नींबू, नींबू का पीएच मान कितना होता है, यदि हम किसी होटल में जाते हैं तो होटल में जाने पे हमें 2-2 के टुकड़े में रख के देता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है होटल में जाने पे, नींबू होटल में हमें क्या मिलते हैं, 2-2 के टुकड़े में नींबू देते हैं, तो 2.2 कितना होता है नींबू का पीएच मान, 2.2। इस तरीके से हम सारे पीएच मान यदि हमें याद हो गए तो खोज की है सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया,
इंग्लिश में बोलते हैं, जो सेल होती है, सेल का मतलब प्रिंसिपल किसने दिया, प्रतिपादन किसने दिया, ऑप्शन देखें। वेरी गुड विमल सर, 2.2 नींबू का पीएच मान, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नंबर वन डार्विन एवं बैलेस, सेकंड मेंडल तथा मोर्गन, थर्ड आपका स्लाइडेन और स्वान, और तीसरा है आपका इनमें से कोई नहीं, सॉरी चौथा इनमें से कोई नहीं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डार्विन एवं बैलेस, मेंडल तथा मॉर्गन, तीसरा स्लाइडेन और स्वान, और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। विमल सर, बहुत अच्छा, विमल सर ने बता दिया है स्लाइडेन और स्वान, सही आंसर है स्लाइडेन और स्वान। कोशिका जो होता है, स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था, सारे आंसर सही दे रहे हैं विमल सर। स्लाइडेन और जो स्वान होता है, इनने क्या किया था? ठीक है, प्रशांत जी बोल रहे पानी 7 बजे आ जाता है, 7.4 में पानी नहीं आता तो खून खौल जाता है, बिल्कुल सही ना, याद रख सकते हैं। जो कोशिका को बताते हैं स्लाइडेन और स्वान, आंसर है आपका स्लाइडेन और स्वान, सी, बिल्कुल सही शिवांगी जी, स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। इनने क्या बताया था कि आपकी जो कोशिका होती है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल, मतलब आपकी संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक, ये किसने बताया था? आपका बताया था स्लाइडेन और स्वान ने। लेकिन यदि क्वेश्चन में बात करूं कि कोशिका की खोज किसने की है, बताएं, कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग बताएं कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका को डिस्कवर किसने किया है, ऑप्शन में लिखें आप सभी। कोशिका की खोज, सेल को किसने डिस्कवर किया है, कोशिका की खोज किसने की है? प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया, लेकिन बात करें, क्वेश्चन आ गया कि कोशिका की खोज किसने की है, तो क्या रहेगा? रॉबर्ट होक, वेरी गुड शिवांगी जी, वेरी गुड रॉबर्ट होक, रॉबर्ट होक, वेरी गुड रॉबर्ट होक है, याद रख सकते हैं, कोशिका से काशी, काशी में रब का हक, तो रॉबर्ट होक ने क्या किया है 1665 में आपकी खोज की है, किसकी, 1665 में खोज की थी आपकी कोशिका की। लेकिन जो रॉबर्ट होक ने, मैं क्लियर कर देता हूँ, रॉबर्ट होक ने क्या किया था, नॉन लिविंग कोशिका की खोज की थी, अजीब जो आपकी थी उसमें जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी, लिविंग सेल की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन देखें। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 36, 46, 56 या 26। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 36, 46, 56 या 26? विमल सर 46 बता रहे हैं, और बताएं, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्कुल राइट से विमल सर, सही आंसर है 46। मानव शरीर जो होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, बिल्कुल सही आंसर विमल सर 46। और पेयर में पाए जाते हैं, कितने पेयर होते हैं, 23, 22 पेयर में होते हैं 46, बिल्कुल सही शिवांगी जी 46 होते हैं, 23 के पेयर में होते हैं वो, तो इसके पेयर में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका 46 और 23 के पेयर में होता है। यदि यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है, गुणसूत्रों की बात करें कि आपका जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, ये मानव शरीर का सबको पता रहता है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन मच्छर का क्वेश्चन आ चुका है, पीएससी में क्वेश्चन आता है आपका कि मच्छर में गुणसूत्र कितने होते हैं, घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपके शेर है, बिल्ली है, टाइगर है, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, मच्छर में गुणसूत्र होते हैं 6, हम याद रख सकते हैं मच्छर छा, तो छा से याद रख लिया कि मच्छर, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 6 गुणसूत्र होते हैं। और घोड़े की बात करें तो घोड़े में गुणसूत्र होते हैं 64, 64 को हिंदी में बोलते हैं 64,
64 में लास्ट में आ गया सट, तो घोड़ा कैसे दौड़ता है, सठा सट दौड़ता है, तो घोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं, 36 होते हैं। और आप लोग बात याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी के प्री में पूछा गया है कि शेर बिल्ली टाइगर, शेर बिल्ली और टाइगर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तीनों में एक ही गुणसूत्र, एक ही नंबर के गुणसूत्र होते हैं, बताएं आंसर, शेर बिल्ली टाइगर कितने गुणसूत्र होते हैं, 64 घोड़े में, वेरी गुड। शेर बिल्ली टाइगर कितने गुणसूत्र होते हैं, शेर बिल्ली और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, मैं सारे गुणसूत्र याद करा देता हूं, लिखा भी देता हूं आप लोगों को, लिख लें शेर बिल्ली टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 38 होते हैं, 38 को यदि हम हिंदी में बोलें तो 38 यदि हम शेर बिल्ली और टाइगर के पास में जाते हैं तो वो हमारे सामने अड़ जाते हैं, तो कितने गुणसूत्र होते हैं शेर बिल्ली टाइगर में, 38, वेरी गुड। साहू प्रतिमा जी सही बोल रही है, मच्छर में 6 होते हैं, याद रख सकते हैं मच्छर को, मच्छर छा, छा से 6, ठीक है, तो मैं हमने बता दिया कि मच्छर में 6 होते हैं, घोड़ा में 64 होते हैं, शेर बिल्ली टाइगर में 38 होते हैं। मक्खी बताएं, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, मक्खी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, मक्खी, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, मानव का सभी को पता है 46 होते हैं, मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, मक्खी में गुणसूत्र कितने होते हैं, मक्खी, मक्खी में गुणसूत्र होते हैं 12, मक्खी में होते हैं 12, हम 12 से याद रख सकते हैं, 12 एक दो 12, हम घर की कितनी भी साफ सफाई कर लें लेकिन घर में मक्खी आ ही जाती हैं, तो एक या दो मक्खी तो आ ही जाती हैं, तो 12, विमल सर नहीं, मक्खी में होते हैं गुणसूत्र 12, 14 नहीं होते हैं, 12 होते हैं, घर की कितनी भी साफ सफाई कर लें एक या दो मक्खी तो आ जाएंगी, एक और दो से 12, 12 कितने होते हैं मक्खी में होते हैं। मटर, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 14, मटर में गुणसूत्र होते हैं 14, कोई बात नहीं विमल सर, मटर में गुणसूत्र होते हैं 14, हाँ मटर में गुणसूत्र होते हैं 14, कैसे, मटर की एक फल्ली में, जो मटर होता है मटर की एक फल्ली में कितने दाने रहते हैं, अधिकतर 4, ठीक है, कॉमन सी बात होती है कि मटर की जो फल्ली होती है एक फल्ली में 4 दाने, तो 1 और 4 तो 14, मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं 14, ठीक है, विमल सर ने सारे आंसर सही दिए हैं, मटर में 14, बहुत सही कमल सर, बहुत सही, 14, मटर में, मटर की एक फल्ली में 4 दाने होते हैं, तो याद रख सकते हैं 14, मटर में गुणसूत्र होते हैं 14, सारे के सारे गुणसूत्र में याद करा रहा हूं आप लोगों के लिए, मनुष्य में गुणसूत्र का क्वेश्चन आ गया तो उसी से लेके हम सारे गुणसूत्र याद कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं कि मक्का, मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, मक्का, मक्का में गुणसूत्र होते हैं 20, मक्का, मक्का यदि हम खाने जाते हैं तो मक्का कितने रुपए का मिलता है, 20 रुपए का मिलता है, मक्का अधिकतर हम खाते हैं कितने रुपए का मिलता है, 20 रुपए का मिलता है, तो याद रख सकते हैं मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं, लिख सकते हैं आप लोग, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 20 है, मक्का खाने जाते हैं तो 10 रुपए का या 30 रुपए का ना मिलके कितने का मिलता है, अधिकतर 20 रुपए का, तो मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं। गाजर, गाजर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 18, बिल्कुल सही, गाजर, गाजर में गुणसूत्र होते हैं 18, कैसे याद रख सकते हैं हम, यदि गाजर का जूस हम हमेशा पीते रहेंगे तो गाजर के जूस पीने से हम कितने साल के लगेंगे, हमेशा 18 साल के लगेंगे, तो गाजर में गुणसूत्र कितने होते हैं, 18 गुणसूत्र होते हैं, गाजर में गुणसूत्रों की संख्या है 18, लिख सकते हैं आप लोग साथ में। हाथी, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या है 56, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56, ठीक है, लास्ट देखते हैं गुणसूत्र, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 56, 56 होती है, कैसे याद रख सकते हैं, जो हाथी होता है सुना है 56 इंच का सीना, तो याद रख सकते हैं कि हाथी का सीना कितने इंच का होता है, 56 इंच का, तो हाथी में गुणसूत्रों की संख्या है 56, 56 है, ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सही आंसर विमल सर, हाथी में गुणसूत्र होते हैं 56, सारे आंसर सही है सर आपके, आगे बढ़ते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है, बिल्कुल सही प्रतिमा जी, मक्का में 20 होते हैं, इस तरीके से हमने गुणसूत्र देख लिए, सारे के सारे गुणसूत्र कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाना चाहिए,
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। नाभिक के अलावा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमें पता है गुणसूत्र होता है, नाभिक के अलावा कोशिका, कोशिका में होता है नाभिक, सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, तो उस नाभिक के अलावा कोशिका में ऐसा कौन सा अंग होता है, कौन सा कोशिका अंग होता है, ऑर्गेनेल होता है, जिसमें आपका क्या होता है डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन देखें, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। नाभिक के अलावा कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन देखें, नंबर 1 तारक काय, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको, तीसरा लाइसोसोम और चौथा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से ऑप्शन सुनिए, तारक काय, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम या आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर बताएं, नाभिक के अंदर, नाभिक के अलावा कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। नहीं सर, विमल सर, लाइसोसोम नहीं है, मैं बता देता हूं, आंसर रिलीज करता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी जो सेल होती है कोशिका, कोशिका में क्या होता है, कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस, सेल हमारी बिल्कुल गोल होती है, ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक आपकी सेल पाई जाती है, उस सेल के अंदर बीचों बीच होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस नाभिक में डीएनए होता है, इसी तरीके से कोशिका में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, तो आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपका यहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कोशिका की खोज, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन है आपका। हमारे याद रखना, आपकी कोशिका में, केंद्रक में, नाभिक में डीएनए होता है, उसके अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, कई बार बहुत सारे पेपर्स में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद देखते हैं इसी में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे मैंने, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तारक काय और गोल्जी कॉय। इन चारों की खोज बता देता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है, किस तरीके से याद रख सकते हैं अपन, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे, मां ईंट उठा और इस काली कार में मार दो, इसको अल्टरनेट तरीके से मानो, एंड बेंट कर दो, तो काली कार में मार रहे थे तो कॉली कर, अल्टरनेट तरीके से अल्टमैन, एंड बेंट से बेंडा, ये 3 लोग थे जिनमें कॉलिकर, अल्टमैन और बेंडा। वेरी गुड, अल्टमैन, ठीक है। इसी तरीके से लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज की है डी डूबे ने, लाई, लाइसोसोम में लाई आ गया, लाई का मतलब होता है झूठ, यदि आप झूठ बोलते तो टीचर क्या बोलते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो डूब मरो मतलब डी डूबे, लाइसोसोम की खोज की है डी डूबे ने। मैंने बताया तारक काय, तारक काय है आपका, तारक काय की खोज किसने की है, तारक काय से याद रखना कि तारक मेहता, तारक मेहता का उल्टा चश्मे किस में आता है, टीबी में, तो तारक काय की खोज की है टी बोबेरी। और लास्ट है आपका लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय से याद रखना कैमिलो गोल्जी। तो चारों के चारों मैंने बता दिया कि आंसर आपका कौन सा है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, चारों ऑप्शन थे, उसके खोजकर्ता भी मैंने बता दिए। इस तरीके से आज के सेशन में हमने सारे के सारे देखे कि आपका बायो के क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट हम कल देखते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नए तरीके से आपको कल टर्मिनोलॉजी में पूरे याद कराऊंगा, क्वेश्चन भी करते जाएंगे, आप लोग आंसर करिएगा और टर्मिनोलॉजी भी हम उसके देखते जाएंगे, ठीक है। जय हिंद सभी को।